लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और बाकी 3 चरणों की तैयारियां चरम पर है। इस वक्त देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट वाराणसी बनी हुई है, क्योंकि यहां से पीएम नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं सीट पर पीएम को चुनौती देने के लिए पूर्व जवान के साथ साथ किसान और संत भी शामिल है। आपको बता दें कि वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की ओर से श्री भगवान दास वेदांत आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल कराया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जांच करने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया, जिसके बाद श्री भगवान दास वेदांत आचार्य और उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में हंगामा किया। नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया, टोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है, आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं, उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे, उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। 1000 लोगों को एफिडेविट पढ़ा लिया जाए, अगर एक भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये जो लिखा गया है सबके लिए नहीं लिखा गया है, केवल एक के लिए लिखा गया है, तो हम मान लें। जब तिरछा करके कॉलम में लंबी लाइन खींच करके एक वाक्य लिख दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग अलग हर कॉलम में सामने लिखना चाहिए था, इसीलिए आपका पर्चा खारिज हो जा रहा है। ये कौन सा ऐसे कौन सा वो है, ये कौन सी हमारी कमी है बताए हो। ये बात हमारे लॉयर ने बताया कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरा पर्चा सही भरा है, उनके सामने भी जा करके दे दिया गया है, दोबारा भी उन्होंने बुलाया, फोन करके जा करके बता दिया गया है, तो उसके बावजूद हमारा पर्चा खारिज कर दे रहा है ये कागज निकाल करके कि आपके तकनीकी खामी है। भाई तानाशाही है, नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ी ना सके, इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी अधिकारी से मिलने कहा दिया जा रहा है, पुलिस आकर के रोक दे रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। भाई हमारा क्या कदम है, हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है, हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं, इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। पर्चा खारिज होने के बाद संत समाज के कुछ लोग जबरदस्ती कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं जब सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल संत चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए 102 प्रत्याशियों ने 119 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसके बाद करीब 13 घंटे पर्चों की जांच चली, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट।